मीडिया वालों से लोग डरते क्यों यार ये मुझे बताएं मीडिया वाले खतरनाक होते हैं आपके खिलाफ आर्टिकल छाप देते हैं ना वो अच्छा कट एंड असल बात, बात क्या टाइप्स तो आपको ना अल्लाह ताला की ब्यूटी बड़ी नज़र आती है कि हाउ ब्यूटीफुल्लाज क्रिएटेड मैन काम्प्लेक्टी एक तो हैं आपकी जो फिजिकल बॉडी की है ना

कि जी कुछ चीज़ें हम लोग जेनेटिकली लेते हैं और कुछ हमारी इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं hmm. तो उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं आइडेंटिकल ट्विन्स पे भी और यार उनका तो उनका घर का माहौल भी सेम है ना हाँ तो और सेम पेरेंट्स हैं तो hmm. उनको एग्जैक्ट होना चाहिए क्योंकि yeah, आप अपने बच्चों को देख लें <coughs> मतलब जो अब्दुल्ला है जो मेरा बड़ा बेटा और जो बेटी बेटी हन्ना है मतलब उनको मैंने तकरीबन बिल्कुल सेम दिया है हर चीज़ सेम तरबियत वगैरह हर चीज मतलब एक्सपीरियंसिस भी इकट्ठे साथ ले जाना हर चीज़ लेकिन दे हैव पोलर ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ अब्दुल्ला बड़ा शाए थोड़ा सा मेचोर समझदार और हन्ना पटाखी टाइप की है इंस्टेंट <laughs> डिसीज बातें करके यू you नो know,

सोशली यू नो इतने ज्यादा अपने आप को सोशली ऑकवर्ड जिसे बोल सकते हैं अच्छा यसल सोशल ऑकवर्डनेस मेन डिफाइनिंग इनका uh, वो नहीं है uh, <coughs> American American वो, नहीं एक्चुअली मेन पता है क्या है मैम समझ फॉर एग्जांपल एक्सट्रोवर्ट की पर, अगर जो बैटरी है जैसे इंट्रोवर्ट बात इंट्रोवर्ट की बैटरी अगर 100 परसेंट है वो <coughs> सुबह निकालता है इंट्रोवर्ट मीट्स पीपल डिफरेंट लोगों से मिलता है तो उसकी बैटरी जो है ना वो डिप्लीट कर रही होती है और जब वो घर आते हैं वापस तो उसकी जो सोशल आइसोलेशन है एक्स्ट्रो वर्ड सुबह का निकलता है तो उसकी बैटरी जीरो पे है और वो लोगों से जब मिलता है तो उसकी बैटरी चार्ज होती जाती है सो एक्ट्रो वर्ड गेन एनर्जी थ्रू मीटिंग पीपल ही गेन एनर्जी थ्रू प्लेंग ऑन इमोशन और जस्ट फॉर इफ आई है

टाइम मिलता है अपने साथ सोचने का तदम्बर करने का पढ़ने लिखने का तो अक्सर जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना इन गेन नॉलेज ये अकेले में बैठ के बहुत सारी नॉलेज गेन कर पाते हैं और एक्स्ट्रोवर्ड हैं उनका खैर अपना है आपने खैर अपनी पूछा ताकि बाकी भाई भी बता सकेंट रीडिंग

सारे वैसी बॉयज बैठे हुए गप गपशप और हल्ला गोला चल रहा है डू यू वांट टू जंप इन एंड ट्रैक जोक्स और वो सारा या यू वांट टू एंजॉय गेट नहीं आप आपने भी देखे वो आप हाँ, सर्व हाँ, किया होगा आई डोंट आप खामोश बैठे होते हैं हाँ, हाँ, इतना ज्यादा जो है ना वो <laughs> आप लेकिन जो है ना यू जंप इन यार जंप इन सो डू नॉट प्रटेंड टू बी एन इंट्रोवर्ट जंप इन नहीं करते ये वो कर रहे होते हैं ये जंप इन कर देंगे सर सर ये तो शो चला रहे होते हैं ना हां जी

शी गेट्स रियली एक्साइटेड वैन शी मीट्स पीपल उनकी एनर्जी का लेवल अमेजिंग लेवल तक पहुँच जाता है वैन शी मीट्स एंड टॉक्स टू पीपल और उसके बाद वो थकती नहीं है उसके बाद वो शी कैन वर्क ऑल डे लॉन्ग ठीक है लेकिन जो इंटरवर्ड्स हैं वो जब मिलते हैं येस दे आर गुड इन वन टू वन इंट्रैक्शन और पब्लिकली पब्लिक स्पीच भी कमाल दे सकते हैं लेकिन पब्लिक स्पीच में भी वो आपसे बात करेंगे फिर उससे बात करेंगे यानी दे डिफाइंड पीपल जो उनको ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स और वो सब दे रहे हो एंड देन देम

इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हाँ बिल्कुल सही लाइक कितने 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 परसेंट लेकिन आपका भी वहाँ से ऐसा ही है कि सर्टेन गैदरिंग्स में व्हेन यू इन कंफर्टेबल गैदरिंग्स में यू आर कंफर्टेबल गपशप लगाना हाँ हला बिल्कुल नई गैदरिंग्स में आई हैव टू वर्क ऑन माय सेल्फ टू गेट दैट एनर्जी एंड देन टॉक टू पीपल ऑफ अल्लाह यार अल्लाह ताला ने कैसे तकलीफ किया अच्छा आई व्हेन आई मीट न्यू पीपल मैं फ़ौन से उनसे गप शप लगाता हूँ जोक्स स्ट्राक कर सकता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी भी उनसे फर्स्ट टाइम मिलूँ और उसके साथ जोक्स स्ट्राक करूँ और उसे यानी गप शप लगाऊँप अच्छा, अच्छा, मेरे people. भाई हैं uh, वो जो भी दिल में बात होगी ना झट से बोल देंगे उनको नहीं पता कि यार इसका इफेक्ट क्या होगा अगले बंदे पे <laughs> आपको ना करना यार इसने क्या कैसे बात बट वन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो मैं जनरली जब बात कर रहा होता हूँ हो ना मैं पहले उसको ना तोलता हूँ परखता हूँ कि यार ये मैंने अगर बात कह दी

और वो डुपमिन रिलीज करता है बाई मीटिंग न्यू पीपल ठीक है जो इंडोबर्ट्स होते हैं वैन डे रीड अ बुक और गो टू अ सोलो वॉक एंड एन्जॉय राइड इन अ पार्क अकेले या वो चल रहे हैं तो दे एक्चुअली hmm. गेट देयर डुपमिन लेवल और उनका जो है ना वो प्लेजर हारमोन तब रिलीज़ होते हैं hmm. लेकिन दोनों केसेस में होते हैं लेकिन बात यह कि वैसे ऑनेस्टली बताऊँ कि हमें ना अपनी पर्सनैलिटी को समझना बड़ा ज़रूरी है बहुत जरूरी है कि हम हैं कैसे और हमारी किन किन ट्रेड्स पे वी कैन लेवरेज ऑन एंड वी कैन स्ट्रेंथन आर पर्सनालिटीज ताकि हम बड़े बड़े काम कर सकें <coughs> अच्छा ये बताइएगा कि आ, अब बात जो हो ही रही है कि ये जो दो डायमेंशन हैं इज देर एनी प्रॉब्लम बींग एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट अगर यानी एक मिसाल अगर कोई बंदा बोलता है कि यार अच्छा मैं इंट्रोवर्ट हूँ मेरे अंदर ये हो सकता है ये ये खामियाँ हूँ दैट पर्सन शुड यू नो उसमें कोई Uh, बेहतर बनाने की कोशिश करनी <laughs> चाहिए उसको या क्या आप समझ मैं आपको एक बड़ी स्ट्रेंज बात बताऊं इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ डिजीज सेंटर जो है जिसमें आपकी डिजीज लिस्ट है सारी उसमें इंट्रोवर्जन जो है ना देट इज़ कंसिडर्ड एज ए डिजीज नॉर्मैलिटी

के लिए बड़ा आसान होगा जाके yes, उसकी करना उसको exactly, करना उसको बात ट टूट एंड गाड़ी का टायर पंचर है मैं <laughs> कुछ कर सकता हूँ आपके लिए hmm. तो अजर भी खैर उसी हवाले से है। exactly. आज मैं फजर के बाद ना सोच रहा था कि अम्बिया क्या थे hmm. और हमारे रसूल कौन थे ठीक है अच्छा एक ही चीज दूसरी चीज मैं सोचा था कि वट मेक्स ग्रेट पर्सनैलिटीज तो मैंने ना ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है वो दिस आई थिंकिंग के जो लोग बचपन में एक्सट्रोवर्ट होते हैं और फिर हालात वाकयात की वजह से इंट्रोवर्ट बन जाते हैं या जो बचपन में इंट्रोवर्ट होते हैं और हालात वाकयात की वजह से एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं hmm. जो जिनकी पर्सनैलिटी में शिफ्ट आता है इन द और किसी भी लाइफ में उनमें दोनों चीज़ें बड़ी हाईली पाई जाती हैं दोनों ट्रेड्स और वो दोनों को ना कैश कर सकते हैं ट्रेड्स को जब उनको मौका मिलता है मैंने ये पर्सनली अपने इस... जिन लोगों ने हार्डशिप्स देखी होती आपके म, मैं कहता हूँ जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को ना चेंज किया होता है हालात के जरिए असल में वैसे भी आ, ये भी रिसर्चेज हैं कि जब आप आ, जैसे बंदा यंग आप एज होल करते हैं ना तो ये जितनी भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें बात की ना जिसमें एक्सप्रोवर्जन भी है आप थोड़ा थोड़ा आपके एक्सप्रोवर्जन कम होती है ओवर द ईयर्स आप इंट्रोवर्जन की तरफ आते हैं जैसे बंदा बड़ा होता रहता है अच्छा वो अब आहिस्ता आहिस्ते सॉलीट्यूड को पसंद करना शुरू कर रहा होता है इसी तरह जो एक कॉन्शियसनेस uh, की हमने बात की या ओपननेस की बात ओपननेस टू एक्सपीरियंस एक चीज है कि बंदा नई चीज के ऊपर फौरी तौर पर उसको होता है कि अच्छा मैं देखूँ रिस्क लू एडवेंचरस होता है ये भी चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ कम होती है हाँ ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस अम्बिया को अगर हम देखें आप सुफान्ला अम्बिया को अगर आप देखें तो अम्बिया जो थे ना हदीस में आता है कि एवरी प्रॉफिट अ ठीक है चरवाहा था अल्लाह ने उनको बनाया चरवाहा ताकि उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाए ना जो चरवाहा होता है ना वो नंबर वन एक तो यानी हाउ टू लीड अपनी अपनी गैदरिंग के साथ वो <laughs> दोस्तों के साथ नहीं बकरियाँ चला रहा वो hmm. बकरियाँ लेके अकेला चला गया इज़ लीडर आइसोलेशन नंबर वन ठीक है नंबर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना ठीक है दे हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी एंड बी इन चार्ज एंड नंबर थ्री इज अच्छा, फिर लोगों के बीच आ जाना, बीच आ आ जाना एक जाना जगह है, और जो अब अब shepherd एक है वो बकरियां कभी भी अपना को नहीं बचाएंगी वो तो नीचे देख के जो है ना वो तो बकरी और वो घास खा रही है ही शेर तो नहीं आ रहा कोई अटैक तो नहीं आ रहा और उन सबको हांकना और चलाना ताकि लीडरशिप क्वालिटीज और ट्रेड्स उसमें आए और खतरे को इससे पहले उनकी आवाम देखे पहले देख लेना ताकि मैं वो करूं और ये जो चीज है ना Uh, यानी मैं सुना सोचता हूँ कि अम्बिया ने अकेले वक्त क्यों गुजारा आप वक्त क्यों गुज़ारा इब्राहिम रसलम ने हजरत में, mm -hmm. uh, में अकेले वक्त क्यों गुजारा यूनिम ने <coughs> मछली के पेट में वक्त क्यों गुजारा मूसम से बंदा जब मर गया ठीक mm -hmm. है तो इतना लम्बा सफ़र अकेले किया और बड़ा <coughs> यानी तो अल्लाह ताली भी ना मैं समझता हूँ अम्बिया जो सारे नहीं डिफरेंट पर्सनल होती हैं लेकिन सम हाउ देर एम्बी वर्ड्स दे आर इंटू वर्ड्स and they have some good qualities of extroverts as well yes balanced balance, balance होना अल्लाह ताला ने अंबिया को ना कैपेबिलिटी दी हो कि सकते कि 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 कि, हैं कि किसी सहाबा की जिस तरह आप किसी एक तरफ लीन कर सकते <coughs> हैं कर सकते हैं बट यू यू कांट बी एट द एक्सट्रीमिटीज ईदर वे तो आपने आपको hmm. काम करना चाहिए एंड आई थिंक जो सहाबा की <coughs> स्पेशली सेट और इवन अंबिया की भी हम अगर उनको स्टडी करें ना हमें लगेगा इतनी अल्लाह ताला ने वैरायटी उसमें रखी हुई है कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स ये नहीं कह सकता क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है मैं फ़लाना फ़लाना काम बिल्कुल नहीं आ, कर सकता आ, मैं दिन का काम कर ही नहीं सकता मेरे लिए ये चीज़ करना इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं बिल्कुल हम इवन चार जो हमारे खुलफा राशिदीन है उन्हीं को देख लें उन चारों में आपको कुछ में तो बहुत स्टार्क डिफरेंसेस नज़र आएंगे इन टर्म्स ऑफ उमर बिन खत्ताब और उस्मान मैं ही समझता हूँ जैसे आपने बात की ना कि की जो पर्सनालिटी थी यू नो दे हैड डिफरेंसेस एज़ वेल वट आई फील कि इस्लाम जो है ना बड़ा बैलेंस रिलीजन है सुबहानलाब आप देखें अबू बकर सद, उनका यानी क्या लकब है यानी जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया कि मैंने ये दावत जिसके सामने पहले पेश की ना एवरीबडी वॉज रिल्ड एक्सेप्ट अबू बकर जैसे ही मैंने उनके सामने ये पैगाम दिया बिल्कुल आपने सब ने थोड़ा सा वेट किया, वेड़ कि किया थोड़ा स... सा तवकुफ किया लेकिन अबू बकर रजिया ने फौरन ही जो है एक्सेप्ट कर लिया इसलिए उनका जो है लकब असदीक आ गया एंड इन हिज पर्सनैलिटी बड़े हम्बल uh, थे उनकी नेचर और अगर आप उनके आगे देखें उमर रजील को देखें ही वॉज आई थिंक यू नो या पर्सनालिटी वाइज एग्रेसिवनेस में अगर आप देखें तो ही वाज यू नो ऑन ऑन अनदर लेवल माशाल्लाह इसमें एक बात ऐड करूं हां इसमें मैं 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 जब सूर्य मरियम को देखते हैं ना हम, तो उसमें अल्लाह ताला ने दो अंबिया के साथ सिद्दीकन नबिया कहा है और दो अंबिया के साथ रसूलन नबिया कहा है इब्राहिम के साथ और इज्री के साथ सिद्दीकन नबिया और मूसल के साथ और इस्माईल्म के साथ रसूल नबिया का एंड दिस इज़ यहाँ पे कुरान ने फ़र्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है नबिया की hmm. ठीक है <coughs> क्यों एंड सुफ मैं सुन रहा था यानी मुफसर को अल्लाह अकबर ब्यूटीफुल ही सेट के कुरान में जो हम कहते हैं ना हदसरा सरात आलिम उन लोगों का साथ जो नेक है अब आलिम की डेफिनेशन डेफिनीशन सूरा बयान करते हैं कि मम्मी व रसूल उदीना वद्दिन व शहदा व सलि तो ये ये दर्जे हैं नबीन सदिन शहदा सालीन सबसे टॉप पे नबी फिर सिद्दीक, फिर शहीद और सालीन साल तो हर जो नेक जिसका दिल अच्छा है <coughs> वो है इसी ऊपर का दर्जा शहदा का है ठीक <coughs> है इसी ऊपर का दर्जा सिद्दीन का है <coughs> इसी ऊपर का दर्जा हम उम्मत के लिए नहीं है क्योंकि सिलसिला रसूल का सिलसिला ख़त्म हो चुका है नबी पे ना अबू बकर को और इदरी अलैहिस्सलाम को सिद्दीक़ नबिया क्यों कहा है और मूसा अलैहिस्सलाम को और इस्माइल को रसूल नबिया क्यों कहा है क्योंकि अबू बकर अलग भी अबू बकर तुम ईसरा जैसे हो एक हदीस में आता है अच्छा योर पर्सनल रिजम्बल ईसी और मूसा को कहा और उमर को कहा कि उमर यू रिजम्बल जलालीस्म की वो कोई भी गलत चीज़ को देख के बैठ नहीं सकते थे लड़ाई हो रही है मुक्का मार है उस बंदे को अभी थक के आके बैठे हैं लंबे सफर के बाद यानी इतनी हालत में कि उन्होंने बाद में दुआ की कि रबी इन जलता फ़कीर ठीक है लेकिन उस हालत में भी दो खातन को देखा खड़ी हुई हैं कर्न स्टॉप और खड़े होके उन्होंने कहा कि तुम क्यों खड़ी हुए हो और हेल्प इनिशिएटिव टेकर थे ठीक है फ़ौरन से और उम्र में ख़ताब भी फ़ौरन से जलाल में आ जाना फ़ौरन से कहा या रसूल्ला मुझे हुक्म दे मैं ऐसी किरण आज हूँ ठीक है मुख्त वाक़ पर आते हैं एक सहाबी से गलती भी होगी उन्होंने ऐसे कर देता है ना इसीसा सा बहुत डिफरेंट अब वो बकर सिद्दीकी पर्सनलिटी इसलिए इससे मिलती है लेकिन भी हदीस में आता है <coughs> अब देखें जो सिद्दीक है ना जैसे हदीस में आता है कि तमाम सहाबा ने रुका

वस्म रबी क्या व तबत तब तला ठीक है कुरान में कितनी जगहों पे आता है कि आप अपने आप को सीड लोगों से जब इन इकाफ़िन तबीला दिन में आपके पास बड़े काम है लेकिन रात के लिए वो मैंने फतः okay. अकेले में तनहाई में चले जाइए अकेले हो जाइए सॉली को लेना प्रेफर किया और इसलिए अम्बिया सॉली में बहुत टाइम गुजारते थे तहजद का स्पेशली hmm. तो अबू बकर सिद्दीक जो है ज्फानल्ला और इब्राहिम रसतम को आप देख ले देवर थिंकर्स इब्राहिम इस्लाम की लाइफ पढ़ने सारी जिंदगी अकेले और हिजरत में गुजार दी बिल्कुल अब बकर सदीक सोचते थे कि अल्लाह के नबी ने, ने जैसे ही इस्लाम प्रजेंट किया वेट ही नहीं किया इस्लाम कबूल कर लिया और अब उमर में खिताब को अब देख लें अब देखिए आपसे फान बकर ने ऐसे इस्लाम कबूल किया और उमर में खताब एक्स्ट्रो वोट हैं छः साल लगे हुए उनको हमजा रद्ला के नबी के चाचा एक्स्ट्रो वोट हैं छः साल लगे उन्हें और कैसे एक्टिव कितने ज्यादा है कि शिकार पे निकले होते थे वापस आए एक दिन और लोगों ने कहा आज तो हद ही कर कि के के तुम्हारे भांजे के साथ बड़ा कहा की इसकी मेरे भांजे के साथ और गया उसको मारा और सपोर्ट में और रिएक्टिव में अप्रोच में क्या दिया मैं मोहम्मद भाई मान लाता हूं जाओ क्या, हुँ। क्या करते हो और इस्लाम कबूल कर लिया इंस्टेंट ठीक है और सुभान अल्लाह इवन आप मुसल इस्लाम को देख ले इस्माइल अलैहिस्सलाम हर टाइम शिकार पर निकले होते थे इब्राहिम दो दफा दो इनसे मिलने के लिए आए घर में आते घर में इस्माइल मिले ही नहीं, <laughs> नहीं। <laughs> और शिकार

जो सोलर पसंद नहीं करता वो एक्स्ट्रा होता है यार मैं यहाँ पे क्यों टाइम स्पेक्ट्रम आई एम एन इंट्रोबर्ट फॉर श्योर ठीक है बट आई लाइक राइडिंग विदर्स आई डोंग एज मच

चेंज मेरे इंग्लैंड जाने से बहुत हुआ था अच्छा। तो वहाँ जाके अब मजबूरन सब काम अपने खुद ही करने हर चीज़ आपने इंट्रैक्ट करना है लोगों से यू नो टू आपने बस में जाना है आपने चीज़ें खरीदनी है दुकानदार ये वो आपके लोगों से इंटरेक्शन बहुत बढ़ती तो वहाँ जाके जब जा ऑटोमेटिकली जा चीज़ करनी पड़ी तो वो दैट काइंड ऑफ चेंज माई पर्सनलिटी लॉट और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपीरियंस है मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ मतलब टिल क्लास आई अ बिग इंट्रोवर्ट इवन अच्छा। मैं मुझे याद है कि जब मैं क्लास में फर्स्ट टाइम गया तो अभी अबाजी एक यू पोस्ट हुए थे आर्मी कैट में तो तो लोग ना रिस्पेक्ट लिए सारे क्लास वालोज में मिलने के लिए आए थे uh, मैंने मिल तो लिया उनसे लेकिन आई वॉज अबाउट टू बर्ड्स इन टू टीर्स कितने सारे <laughs> मुझे लोग क्यों मिलने के लिए आए बिग अच्छा, no? <laughs> अच्छा। <laughs> मैं घर से बाहर निकलना Since मेरी बड़ी भी बहन थी छोटी भी बहन थी तो मैं सैंडविच हुआ होता बहनों के बीच में ठीक है तो मैं कभी भी ऐसे लोगों से मिलना और और <laughs> आप तो आप तो प्रेशर तो में हो गए आप लंबे हो गए तो, तो, <laughs> तो मैंने देखा कि मेरी जो पर्सनैलिटी चेंज हुई एट्थ क्लास में बहुत ज्यादा हुई क्यों क्योंकि दोस्त कुछ ऐसे मिले प्लस राइडिंग ज्वाइन की मैंने अल्लाह की मैंने ऐसी नहीं अपने बच्चों को राइडिंग सिखाओ क्योंकि राइडिंग टीचर्स यू लीडरशिप स्किल्स टेकिंग कंट्रोल hmm. और इतना बड़ा बीस्ट है जो आपसे टेन टाइम्स साइज में बड़ा है फिफ्टी टाइम्स एनर्जी में और पावर में ज्यादा आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं और आपने इसको राइट और लेफ्ट घुमाना है सेम टाइम्स यू एट द फ्रंट और बीच आपके दस घोड़े आ रहे हैं hmm. यानी दस राइडर्स आ रहे हैं तो यू हैव टू टेक द लीड और फिर उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपको घोड़ सेवारी hmm. सिखाती है बिकॉज द हॉर्स एग्जैक्टली नोज के मेरा राइडर कैसा फील कर रहा अगर है अगर एनशियस है डरा हुआ है तो वो मस्ती करता है वो बक मारता है और पंगे लेता है बट यू यू हैव टू फेक इट you यू मेक इट सो हैव टू फील एंड एक्ट कॉन्फिडेंट कि मैं नहीं। मैं तेरे पे इंचार्ज हूँ सो so मुझे ना हॉर्स राइडिंग ने और दोस्तों ने फिर और तब से खराब किया खराब कर दिया ना अगर हम इस्लाम की बात कर रहे हैं ना अभी जो अबू बकर रजी की बात कर रहे थे अभी आप देखें ना सुफ्यान उनकी जो शख्सियत ही भी हमने डिस्कस की है लेकिन देर वॉज अ टाइम कि जब जो लोग हाँ जी हाँ जी मानी जो जक़त है जो कहा था कि हम जक़ात नहीं देंगे उमर रजी अल्लाह आए उन्होंने कहा कि अबू बकर अभी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ऑलरेडी वी आर इन यू नो बहुत सारे जो है वो मसले मसाइल चल रहे हैं तो उसको थोड़ा बाद में हम सॉल्व करेंगे रिजॉल्व करेंगे तो फिर कितना जबरदस्त अबू बकर का स्टांस था कि कहते हैं कि मेरे जीते जी क्या दीन में तब्दीली आई गया अयदीन वन और वो कहते हैं कि अगर और उम्र तुम्हें क्या हो गया है दीन में आने से पहले तो तुम बड़े स्ट्रॉन्ग थे और अब तुम जो है कॉम्प्रोमाइज तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड हो गया नहीं, 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 हाँ। इस्लाम ये, ये जो है ना देखें आपको जो रिक्वायरमेंट होती है ना एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपने वो यू है इम्ब्रेस करना है तो इसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह Uh, जैसे अल्लाह तौला फरमाते हैं ना कि अला यामन खलक कि अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला से ज़्यादा कौन जान सकता है hmm. तो वॉट वी हैव टू डू इज़ जहाँ पे फॉर एग्जांपल हम uh, बहाना नहीं कर सकते नहीं यार आई एम एन इंट्रोवर्ट यार मैं आगे नहीं बढ़ सकता हाँ इनको एक्सक्यूज तो आ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं जैसे सवाल भी आता है वो साथ और कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ मैं सोशली बहुत ऑकवर्ड फील करता हूँ या करती हूँ और मैं बिल्कुल किसी से बात नहीं कर सकती या कर सक क्या करूँ मैं एनी टिप्स मेरे ख्याल से कि पहली तो बात है कि पर्सनैलिटी टाइप अपनी इसको डिस्कवर जरूर करना चाहिए मैं ये समझता हूँ और उसको पढ़ना चाहिए पूरा कि इस पर्सनैलिटी टाइप की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या होती हैं सो दैट यू आर एबल टू शेप देम ऐसा हुँ। नहीं हो सकता कि आप इन चीज़ों को आ, चेंज नहीं कर सकते जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि ये दोनों चीज़ें आप में मौजूद होती हैं आप कंफर्टेबली या अनकंफर्टेबली एक ऑप्शन डिफरेंट उसकी चॉइस मेक करते हो ठीक ठीक है? है? तो इसका मतलब ये 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 हुआ, इसका मतलब ये कि ये आप थोड़े बहुत रीशेप भी कर सकते हो तो यू हैव टू वर्क ऑन योर बीस एंड टू वर्क ऑन मैं समझता हूँ जस्ट गो आउट गेट आउट एंड प्रैक्टिस इट या प्रैक्टिस एंड स्टार्ट विद नॉट टॉकिंग फर्स्ट

तो आपको कोई सबंधन ही मिलेगा जो पसंद करता हूँ कि मुझे सुने लेकिन तो आप, आप उनको सुने आई आई टू क्वेश्चन देखें अगर तो आप एक नॉर्मल सिचुएशन की बात कर हैं ना तो फिर इस तरह की बातें कुछ आ, समझ में आती हैं लेकिन होता है कि आपने भी पहले बात की कि बहुत सारी दूसरे फैक्टर्स जो है ना वो इन चीज़ों के साथ अक्सर जुड़े होते हैं मिसाल के तौर पे अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया ना कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो बंदा लो सेल्फ स्टीम का शिकार हो किसी और वजह से और वो ये समझ रहा हो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ हालांकि उसका प्रॉब्लम मेन इंट्रोवर्जन नहीं है गारे। exactly. गारे। exactly. उसका यह कुछ और फैक्टर्स की वो लो सेल्फ स्टीम और लो कॉन्फिडेंस का शिकार है मे बी फॉर एग्जाम्पल जो लोग बहुत ज्यादा फिल्थ में इन्वॉल्व होते हैं पोर्नोग्राफी में और इस तरह की चीजों में वो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं झिझक होती है, है बिल्कुल you know, हाँ। you know? हाँ। ये आपने बिल्कुल सिबेद की एक्चुअली में पर्सनैलिटी uh, में मैंने शुरू में कहा कि इंट्रोवर्ड एक्सोवर्जन uh, एक एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी hmm. का बहुत सारे और हैं मतलब मल्टीपल थियरीज हैं फाइव बिग थ्री वो है uh, और भी बहुत सारी हैं <coughs> आप उनको स्टडी करके uh, पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें और इवन देन इट्स इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स क्योंकि मैं एग्जाम्पल आपको दूँगा अक्सर लोग जो है पीपल uh, हु जाते हैं दे स्ट्रगल टू एडमिट देर और चीजें इसके पीछे एक एस्पेक्ट उन्होंने कहा कि देज अ वेरी बिग चांस दैट पीपल हु आर लाइक दैट है अब अगर वो बंदा समझ मैं, उस उस हो हो very हो very मैं तो इसका मतलब वो नहीं है नहीं। नहीं कि वो, हो सकते नहीं। वो लोगों में जाकर उसको एनर्जी फील होती है हो अच्छा, कुछ लोग खामोश हो जाते हैं कुछ लोग अगले, right. को, अगले को ना फौरी तौर पर कहेंगे तुम गलत हो या अक्सर लिटरली ऐसा कोई बड़ा सा इल्जाम लगा दें ताकि उससे वो इल्जाम उतर जाए ना वन टू जितना आप इन चीजों को स्टडी करेंगे को स्टडी करें अपने आप एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ और उसको अपना अकेले में कोई हर्ज नहीं फिर आपको पता लगेगा अच्छा है

मैं तो आपकी ब्लेम कर नहीं रहा ठीक है या कह नहीं रही ठीक है तो वो ना देख इट इनसिक्योर <coughs> मुझे ये भी लगता है तो हाँ, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक जो है ना वो गुनाहों से भी है यू नो you know? गुनाह करने से आ, आपकी जो फितरत है ना आपकी फितरत यू नो आप अपनी नज़रों में थोड़ा सा गिर जाते हो कुछ लोगों के साथ बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं कुछ लोग गिर जाते हैं कुछ लोग फॉर एग्जाम्पल के बारे की बात यह ना कि यार झूठ जो है वो कहते हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला ऑनेस्टली हर बात में ना मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी पता है मैं झूठ बोल जाता हूँ कभी कभी ठीक है लोग बहुत कहते हैं अगर सच्ची बात करूँ <laughs> तो फिर जो <laughs> है ना वो अक्सर इसी कह रहे हैं है और, है और ये मल्टीपल फैक्टर जैसे आपने एग्जांपल दी yeah. आ, हमने और सेल्फ वर्थ और सेल्फ लोने की भी मल्टीपल रीजन है मतलब लैक ऑफ

Uh, तो वो uh, आप ऑटोमेटिक उसमें बड़े कंफर्टेबल हो जाओ hmm. आप खोल के बात करें बगैर क्योंकि अगर नॉलेज uh, हाँ, है तो ये चीजें फैक्टर करती अच्छा, है तो इसलिए हमें अपनी पर्सनालिटीज हाँ, के बारे में अपने उसमें जानना होता है इल्हाम हुआ है कि बड़े रोल्स से नहीं मैं कह रहा हूं ये अच्छी डिस्कशन चल तो करना चाहिए नहीं किसके जो है तरफ देखा जाए तो आ, हाँ <laughs> you are asking question कि जब आपके सामने तो हाई टॉपिक ना लोगों को जज नहीं करना चाहिए बहुत सारी कॉपोशन करती है लाग लाग। लाग की वो आपके टेस्ट करवाती है पहले और कहती है नहीं नहीं तुम जो है इस पोजिशन के लिए सुटेबल नहीं हो नहीं दिस होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल नहीं देखिये जब आपने कहा ना की बहुत सारे और फैक्टर्स

इंट्रोवर्ट्स uh, की होती, होती है कि वो ना अकेले काम करना ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग का जिसमें बंदे ने अकेले काम करना उसको किसी के साथ मिलकर एज अ गैदरिंग टीम वर्क नहीं, नहीं।, नहीं है, है। तो हाँ। ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा तो, एक्सट्रोवर्ट को अकेले लैपटॉप पे बैठा दे मारता रहेगा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके

इसलिए मैं ना आइडिया जनरेट करने के लिए मीटिंग कॉल करता हूँ अकेले नहीं बैठ जाता कि यार अकेले सोचता हूँ hmm. कुछ लोग होते हैं जो अकेले बैठ के वो करते हैं अच्छा hmm. आप yeah, लिए सोचते हैं हाँ, हाँ, after discussion. ये, ये मेरा मेजर डिफरेंस है अक्सर yeah. जो होते हैं एक अपना पहले सोचता हूँ उसके ऊपर बहुत ज्यादा गौरव और फिर मैं सजेशन लेता हूँ

मुशावरत कर लें उनसे आइडियाज़ ले लें ठीक है फिर आपको जो अच्छा लगता है फिर चूज़ देट बेस्ट ऑप्शन और फिर एंड में क्या करना है तवक्ल तो मोमिनों को आखिरकार जो है अल्लाह ताला पे ही कर इवन इस्लाम भी ना आपसे थोड़ा सा ना मैं रसूल की जितना मैंने पढ़ा है ही नहीं आता कि आप जो थे वो कुरान कहते कि जब तुम खाना खा लो उनके पास बैठ के तो उठ जाओ Hmm. क्योंकि आप को यानी वो हया करते हैं तुमसे कि तुम्हें कहें कि प्राइवेट टाइम एज वेल ही लोगों से इंटरेक्शन और सारा दिन उनको तरबियत hmm. करना लेकिन ही नीडेड सम डाउन टाइम राइट तो इसीलिए इसी इस्लाम ना जरा बैलेंस क्रिएट करता है जो मतलब उनको कहता है कि तुमने ना

ना मुझे स्टेटमेंट बड़ी याद आ रही है, अब जो है hmm. उन्होंने ना टॉप हंड्रेड की लिस्ट बनाई हुई है ईसा को भी रैंक पर रखा एंड इन थर्ड पोजीशन ठीक है फर्स्ट hmm. में मोहम्मद को लेके आएजन के अगर देखा जाए ना डोमेन में

तो नबी करीम सल्लम आगे आए एक बार उसको जो है गिराया वो कहता है हो सकता है मेरे से कोई मैंने से शायद शायद हाँ मैंने जो है ना हाँ ट्राई बोल दी थी कभी मैच ना सेकंड टाइम एंड सुबहानल्ला यानी फिर इससे पता चलता है कि सुबहानल्ला मुस्लिम जो होता है ना मुसलमान वो

बारिश और तूफान वाला मौसम था दूर से एक शख्स नंगी घोड़े की पीठ पे घोड़े को भगाता हुआ वापस मंदिर की तरफ आ रहा है और जब करीब पहुंचे तो देखा आपसे सहलम और कह रहे हैं जो जाके जाओ जाके सो जाओ आ, जो है ना इट्स लीडर तो

एंड दे आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन भी है तो मैं इसलिए इंडोबर्ट्स ही दादा यानी उन्होंने कह रहा हूँ तुम्हारी, तुम्हारी भी जिंदगी है <भाक>।

और अपने स्पाउसेस का भी चेक कर रहे हैं हाँ। अपने घर वालों का भी चेक कर रहे हैं यू नो ये बड़ा good. अच्छा है कि अपने स्पाउसेस का अपने घर वालों का ये सब को करना चाहिए <laughs> कि जाके ना सिक्सटीन परसेंटेज टाइप्स देखें और जाने आपको पता चलेगा कि मेरे पेरेंट्स ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं

तो अपने वो आंसर भेज दूंगा ना सारे तो आपने आइंदा से ना मुझे वैसे ट्रीट करना ठीक है ध्यान से जरा ठीक है, ठीक है।, ठीक है। so, वरना वरना मुक्का मारेंगे आप हमें सो अह मतलब बैलेंसिंग इट आउट और एंडिंग दिस पॉडकास्ट हम द लोन नोट के अगर तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करना है ठीक hmm. है यानी आपको वो अदीस और वो आयात पर ज़्यादा यानी रखना है कि मैंने खैर की बात करनी है exactly. सब्र करना है पेशेंस इख्तियार करना है यानी दलेर वो नहीं है जो पछाड़ दलेर वो है, जो उसको कुर्सी hmm. को पिए और आप इंट्रोवर्ट हैं तो यू हैव टू टेक इनिशिवस यू हैव टू कैपटलाइज ऑन दर्चुनटीज़ इन लाइफ क्योंकि सलाम कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटीज पहंग देंगे hmm. जिनको अगर आपने कैश ना किया तो वो hmm. आ, बड़ा खसारा कमा जैसे <laughs> एक, एक, एक सहाबी hmm. जो कि सुफियान अल्लाह इस्लाम के शुरू शुरू के दौर की बात है पहाड़ी में बैठे हुए थे गलि नबू सुफियान साहब था तो पूछा कि यार एक कौन लोग हैं तीन लोग गुजरे हैं उनका एक मोहम्मद है एक अलीबिन नबी तलेब है जो बच्चे हैं और एक खदीजतल्कुब्रा हैं जो खाव उनसे खातून है तो क्या पैगाम है इनका उन्होंने कहा ये 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 बात करते हैं तो उसको ना हल्की सी क्लिक की के लेकिन उसने कहा छोड़ जान दो यू नो लिविंग द अपॉर्चुनिटी की क्या रिसर्च करूँ मैं क्या बात करूँ कहते हैं कि काफ़ी अरसे बाद फतः मक् के बाद जब उनने इस्लाम को पढ़ा और देखा फिर वो इस्लाम कबूल कर गया और सर पकड़ के बैठ गया और क्यों कि यार अगर मैं काश उस अपॉरचुनिटी को कैपिटलाइज कर लेता और ज़रा घुस जाता उस चीज़ में इनिशिएटिव ले लेता

करने सब सबकत ले गया सो so, बात यह कि आई थिंक हमें अपनी <coughs> को पढ़ना चाहिए hmm. जानना चाहिए और उसी लिहाज से इस्लामिक टीचर्स अपने आप पर अप्प्लाई करनी चाहिए क्योंकि hmm. मैंने डिफरेंट सहाबा को डिफरेंट मौकों पर डिफरेंट नसीहत hmm. देखी hmm. हमें देखना चाहिए कि मेरे में सबसे ज्यादा कमी बेसिकली इंट्रो वर्जन जो है इल्म